हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ देबोलीना और एक बार आप सबको अभियान आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और ये चल रहा है हमारा यूजीसी नेट साइकोलॉजिकल लेक्चर सीरीज। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था एंड साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन उसका नेचर क्या है, वो साइंटिफिक है, कितना साइंटिफिक है, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे ये जो डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन में हम जो रिसर्चेस करते हैं, जो हम डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं, उसका मेथड्स क्या होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस ऑब्जर्व करते हैं, उसको लेके स्टडी करते हैं। तो वो जो स्टडी करते हैं हम कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं टू मेक इट अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेथड क्या होता है, मेथड इज़ नथिंग बट डिफरेंट प्रोसीडियर्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन फिनोमेना। कि मानिए कि हमारे एंग्री है, एंगर हो रहा है, तो उसके ऊपर हमको डेटा कलेक्ट करना है। सो कोई सिचुएशन हमने दे दिया उसको, एक क्वेश्चनियर दे दिया, कोई सिचुएशन दे दिया, तो हम बोलते हैं कि आप बोलिए कि आपको 1 to 5 में ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना एंगर फील होता है, तो वो रेट करेगा। तो दैट इज़ अ डेटा बेसिकली। सो ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सो ये डेटा कलेक्ट जो हम प्रोसीड्यूर्स यूज़ करके करते हैं, दिस आर द मेथड्स इन आवर डिसिप्लिन। सो पहला हम कौन से मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि इट वॉज बेसिकली द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विच वॉज प्रोपगेटेड बाई वुंड। सो ये इंट्रोस्पेक्शन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं कि लुकिंग विद इन सेल्फ। ओके, जैसे कि मेरे हाथ में कोई मार्कर है, ठीक है। सो मार्कर, ये जो मैं मार्कर मेरे हाथ में है, मुझे क्या फील हो रहा है, आई कैन फील इट इज़ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल मटेरियल जो वाइट एंड ब्लैक कलर में है, और विच इज़ हार्ड, जिसका कोई थोड़ा लिखने में थोड़ा स्मेल आता है, समथिंग लाइक दैट। सो जब व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग अ स्टिमुलस, तब मेरे दिमाग में क्या आइडियाज़ चल रहा है, क्या थाट्स चल रहा है, क्या इमोशंस चल रहा है। अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट इज़ कमिंग टू माय माइंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड मी, दैट आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई एम नोटिंग इट डाउन। सो दैट इज़ बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑब्जर्वेशन इज समथिंग, सभी मेथड्स आर बेसिकली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कि हम जो बिहेवियर स्टडी करते हैं, हम किसी ना किसी तरीके से उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली व्हाट अ पर्सन इज डूइंग इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। एक मानो कि कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई कैसे बिहेवियर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल हो, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो हम थोड़ा जान लेंगे। द फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वर्सेज कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जैसे कि कोई प्रिंसिपल नए स्कूल में आया है, तो उसको जानना है कि पर्टिकुलर एक क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स कैसे अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जानने के लिए उनको क्लासरूम पे जाना पड़ेगा,
ठीक है, क्लासरूम पे जाके स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आइदर वो कोई शीट लेके जा सकता है, जिसके पास कोई एक्टिविटीज हो, उसके पास ऑलरेडी कोई एक्टिविटीज लिस्टेड हो तो वो शीट लेके जा सकता है एंड स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके आइदर तो वो एक्टिविटीज में टिक कर सकता है कि कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो ये भी कर सकता है कि वो पीछे से जाके स्टूडेंट के साथ घुल मिल जाता है एंड ऑल्सो डूइंग द क्लास लाइक द स्टूडेंट्स डूइंग द क्लास विद देयर टीचर, और उसमें से स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन वो ऑब्जर्व करता है। सो ये जो नेचुरल सेटिंग में क्या हो रहा है, ऑन द फील्ड क्या हो रहा है, दैट इज बेसिकली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो बेसिकली लैबोरेटरी सेटिंग में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्चर को जानना है कि स्लीप जब सोते हैं आदमी स्लीपिंग प्रोसेस के दौरान क्या हमारे ब्रेन में क्या वेव चेंजेस होता है एंड हमारे ब्लड प्रेशर एंड हमारे हार्ट रेट में क्या चेंजेस आते हैं। सो इसके लिए एक लैबोरेटरी सेटअप होगा जहाँ पे सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे वो आएंगे, एक या दो लगातार दिन के लिए रहेंगे, और रात में जब वो लोग सोएंगे तब उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें लगा होगा मशीन्स रिलेटेड, एंड उसमें से ये सब मेजर होगा, ब्रेन एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है ईजी से मेजर हो सकता है, फिर ब्लड प्रेशर क्या अप डाउन हो रहा है, हार्ट बीट कितना अप डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हो रहा है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। सो ये जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लैब सेटअप पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट थिंग हम जानेंगे, और एक तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एडेड वर्सेस अनएडेड ऑब्जर्वेशन। एडेड मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कहा ये स्लीप एग्जाम्पल पे कि मुझे हार्ट बीट कैप्चर करना है, मुझे ऑक्सीजन सैचुरेशन कैप्चर करना है, मुझे ब्लड प्रेशर कैप्चर करना है। सो ये हम कोई ना कोई मशीन्स के और टेक्नोलॉजी के हेल्प लेके हम कर सकते हैं। सो इसको कहते हैं एडेड ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे ह्यूमन बिहेवियर जो इंटरनल कुछ चल रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उसको तो हम ऐसे खाली आँख से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमको कोई टेक्नोलॉजी या मशीन के हेल्प लेना पड़ता है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एडेड ऑब्जर्वेशन। अनएडेड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे मानिए कि मुझे किसी के एंग्री बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो एक जब उसका एंगर जनरेट होता है तब उसका फेशियल एक्सप्रेशन कितना चेंज होता है, उसका पॉस्चर बॉडी पॉस्चर क्या चेंज होता है, ये तो मैं खाली आँख से ही ऑब्जर्व करके नोट डाउन कर सकती हूँ। सो इसके लिए मुझे कोई मशीन्स या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ बेसिकली अनएडेड ऑब्जर्वेशन। ओके, देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ डिविजन अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज सेम एग्जाम्पल यू कैन टेक हियर कि किसी रिसर्चर को स्टूडेंट एंड टीचर के बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसको स्टडी करना है। अब जो ये नॉन पार्टिसिपेंट है उसमें क्या कर सकता है कि रिसर्चर खुद क्लास में नहीं जा रहा है, रिसर्चर क्या कर रहा है, क्लास में एक वीडियो कैमरा सेट कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद वो वीडियो कैमरा में जो भी रिकॉर्डिंग आ रहा है स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन के, उसको वो स्टडी कर रहा है, फिर उसको नोट डाउन करके एनालिसिस कर रहा है, वहाँ पे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट नहीं करके भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जैसे कि वो जो रिसर्चर है वो खुद ही स्टूडेंट्स के अंदर चले जाता है, कोई बैक बेंच में जाके बैठ जाता है, घुल मिल जाता है, और जो स्टूडेंट एंड टीचर का जो इंटरेक्शन होता है उसको नोट डाउन करता है ऑब्जर्व करके, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। This is the most scientific method in any discipline. ये जो experiment होता है, this is the most scientific method. कभी अगर आपको question में पूछा जाए कि below options में से कौन सा सबसे scientific है, तो वो होगा experimentation, ठीक है। So experimentation में क्या होता है, basically cause-effect relationship explore किया जाता है,
कोई डिफरेंट वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया जाता है। यहाँ पे मेनली दो तरीके का वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल से मैं इसको समझाती हूँ। सपोज कोई रिसर्चर्स देखना चाहता है एक पर्टिकुलर ड्रग के इफेक्ट ऑन मेमोरी, मेमोराइजेशन कैपेसिटी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन मेमोरी कैपेसिटी। तो ये हमारा जिसका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटर है, वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट कर सकता है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पे रिसर्चर ड्रग के जो लेवल्स है, डोजेस है, उसको चेंज कर सकता है कि हाई डोज लो डोज, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर हम उस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे मेरा मेमोरी कैपेसिटी हम देखना चाहते हैं कि ड्रग के हिसाब से मेमोरी कैपेसिटी में कोई इंक्रीज होता है या सेम ही रहता है, ये हमको देखना है। तो मेमोरी कैपेसिटी हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब और एक चीज है जिसको कहते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, बट मानो कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ड्रग का इफेक्ट देख रहे हैं मेमोरी के ऊपर। लेकिन अगर हमने जब ये रिजल्ट आया, कुछ स्टूडेंट्स के ड्रग के हिसाब से मेमोरी का इंक्रीज हुआ, लेकिन अब और एक दूसरा रिसर्चर आके कह रहा है कि तुम नहीं कह सकते कि ये ड्रग के ही इफेक्ट है। क्यों नहीं कह सकते, कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंट लेवल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो हो भी सकता है ये ड्रग का इफेक्ट नहीं है, ये जो स्टूडेंट्स का हायर मेमोरी कैपेसिटी आया है दैट मे बी बिकॉज ऑफ देयर ओन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये इंटेलिजेंस यहाँ पे हो गया कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, जो आके तुम्हारे जो रिसर्च है, रिसर्च के रिजल्ट को एकदम कंफ्यूजिंग कर देता है। तुम नहीं कह सकते दवा के साथ कि ये ड्रग का ही इफेक्ट है, ये ड्रग का भी इफेक्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस का भी इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये जो कंफाउंडिंग कंफ्यूजिंग वेरिएबल होता है जिसको एक्सट्रानियस वेरिएबल कहते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सो एक्सपेरिमेंट गिव्स अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल दिस एक्सट्रानियस वेरिएबल, जो नेचुरल सेटिंग पे उतना नहीं होता है। नेचुरल सेटिंग पे हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ को हम नहीं चाहते ऑब्जर्व करना, उन चीज़ों को हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना हम एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यहाँ पे भी जनरली दो तरीके का एक्सपेरिमेंट देखा जाता है। एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब इन सम सिचुएशन लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी अ बिहेवियर, सो दैट इज बेसिकली फील्ड एक्सपेरिमेंट। सपोज आई वॉन्ट एज ए रिसर्चर आई वॉन्ट टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेमॉन्स्ट्रेशन, मतलब लेक्चर मेथड में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए एज ए रिसर्चर मैं क्या करूँगी कि मैं दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ले लूँगी, एक ही क्लास के, एक ही इंटेलिजेंस लेवल का, फिर उस एक ग्रुप को लेक्चर मेथड में असाइन कर दूँगी। मतलब एक ग्रुप को लेक्चर मेथड मिलेगा एज अ मेथड ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और एक को मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेशन। एंड एक महीने ऐसे करने के बाद फिर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस
दोनों ग्रुप का ही परफॉर्मेंस हम मेजर करेंगे और वो मेजर करके हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली फील्ड एक्सपेरिमेंट जो हम जाके देख रहे हैं, मतलब हमको कोई पर्टिकुलर सेटिंग में जाके, फील्ड में जाके, ये जो क्लास है क्लासरूम सेटिंग में जाके हमको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। और एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी का मतलब होता है एज इफ, यहाँ पे ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंट एकदम ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं होता है। एज इफ मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह होता है ये, ठीक है, कोई सिमिलरिटीज है लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पे जो आईवीज होते हैं, यहाँ पे आईवीज को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं हम, फिर हम ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। जो रिसर्चर है यहाँ पे आईवी को ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैं बोल दूँ कि हमको देखना है, एक रिसर्चर्स को देखना है कि अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या है, अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट है विक्टिम्स के मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो एज ए रिसर्चर यू कैनॉट क्रिएट अ अर्थक्वेक, ओके। सो यू हैव टू ओनली सिलेक्ट द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सर्टेन रीजियन जो भूकंप से पीड़ित है, ठीक है, उसको लेके फिर उसका जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। सो सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि कैंसर और स्मोकिंग के क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है, तो आई कैन नॉट आस्क माई सब्जेक्ट कि आप स्मोकिंग करना चालू कर दो, क्योंकि बाद में जाके हमको देखना है कि आपका कैंसर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, ये तो हम नहीं कर सकते। ओनली आई हैव टू टेक केसेस और सब्जेक्ट्स जिनका कैंसर ऑलरेडी हो चुका है और जिसका स्मोकिंग का हिस्ट्री था, सो फिर उसको लेके हमको स्टडी करना है, ठीक है। सो यहाँ पे रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से जैसे ड्रग वो मैनिपुलेट कर सकता था, हाई डोज लो डोज, कुछ पार्टिसिपेंट को हाई डोज दे दिया, कुछ पार्टिसिपेंट को लो डोज दे दिया, अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट कर सकता था, यहाँ पे नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर दो ग्रुप ले एक्सपेरिमेंट में, क्वासी एक्सपेरिमेंट में, कि एक ग्रुप है जो स्मोकिंग करता है, एक ग्रुप है जो स्मोकिंग नहीं करता है, एक ग्रुप है जो कोई भूकंप से पीड़ित नहीं हुआ है, एक ग्रुप है जो भूकंप से पीड़ित हुआ है ऑलरेडी, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और ये बहुत एग्जाम के लिए दिस क्वासी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंस होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वासी एक्सपेरिमेंट एंड मेन एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम मेथड जो पढ़ेंगे वो है बेसिकली केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, सबका ही अपना इमोशंस, फीलिंग, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस सब डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। इसीलिए अगर आप एक इंडिविजुअल को इन डेप्थ स्टडी करो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है एंड दैट इंफॉर्मेशन यू कैन यूटिलाइज इन फर्दर केसेस, ओके, इन फर्दर प्लेसेस ऑल्सो। सो ये केस स्टडी बेसिकली किसने यूज़ किया था, जब मैंने हिस्ट्री का क्लास लिया था साइकोलॉजी में, उसमें मैंने सिगमंड फ्रॉयड का नाम बताया था एज ए प्रोपागेटर ऑफ साइको एनालिसिस। सो ये साइको एनालिसिस में ये केस स्टडी मेथड ही यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे एक जो होता है सामने, एक केस बोलो, सब्जेक्ट बोलो, सो उसके उससे उसका सब डिटेल जाना जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा रहा, उसका फीलिंग्स राइट नाउ, उसका फीलिंग्स, इमोशंस इन जनरल क्या होता है, पर्सनालिटी पैटर्न्स क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, सो एंड व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। सो केस स्टडी में एक जो चीज़ यूज किया जाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं केस स्टडी में, उसमें जो चीज़ यूज होता है उसमें एक होता है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज बेसिकली अ फेस टू फेस प्रोसेस जहाँ पे हम फेस टू फेस बैठ के कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चंस कोई पूछता है, जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्वेश्चन पूछता है, और जिससे इंटरव्यू लेते हैं वो
आंसर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका भी दो टाइप का क्वेश्चन होता है। वन इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, वन इज नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू लाइक वाई डू यू फील अफ्रेड वेन यू आर मीटिंग सम स्ट्रेंजर, ठीक है, तो वो तुम्हारा अपना एक एनालिसिस होगा, सबका एक अपना अपना एनालिसिस होगा कि हम जब कोई स्ट्रेंजर के साथ मीट करते हैं तो क्या क्यों एंक्शियस या अफ्रेड फील करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी आंसर दे सकता है जिसको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, यहाँ पे हाँ या ना में जवाब होते हैं, जैसे कि डू यू फील शाई वेन यू आर विथ योर पेरेंट वेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स, सो आप बोलोगे कि आइदर आप बोलोगे येस और नो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इफ समबडी आस्क डू यू एंजॉय वेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स, यू हैव टू आंसर येस और नो। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूज इन इंटरव्यू, ओके। एंड इंटरव्यू इज यूज टू कलेक्ट डेटा और टू ऑब्जर्व समबडी अंडर केस स्टडी मेथड। So these are the main four methods: introspection, observation, experimentation, case study method. ये हमने जान लिया, और भी कुछ methods है, important methods है जो हम psychology में पढ़ेंगे, वो हम next class में discuss करेंगे. So ये अगर आपको समझ में आता है तो, अगर अच्छा लगता है तो आप like कीजिए and अपने friend circle में share कीजिए, और ये जो अभियान IAS Academy का YouTube channel है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ चीज़ समझने में दिक्कत होते हैं तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।